हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं BESE 135 का ब्लॉक 1 की यूनिट 1। हम पूरा ब्लॉक मतलब सारे ब्लॉक करने वाले हैं, तो यूनिट 1 आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच जो मेनली आया हुआ है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ दैट, मीनिंग और नेचर ऑफ ICT, ऑडियो मीडियम्स कौन कौन से हैं, ऑडियो विजुअल कौन कौन से हैं, कंप्यूटर, ई लर्निंग एंड इंटरनेट इन एजुकेशन एक्सेट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो मेन है फ्रेंड्स वो हाईलाइट किया हुआ है। देखिए, फर्स्टली हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। होता क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? तो एक तरह से डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन है और इवेल्यूएशन है किसी भी सिस्टम का, टेक्निक का या फिर एड्स का, ताकि हम जो ह्यूमन लर्निंग को इम्प्रूव कर पाए। ये NCET यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर द UK 1967 ने दी है। देखिए, GOM नीथ ने 1975 में डिफाइन किया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, एक तरह से एजुकेशन में जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो वो हमारी जो टीचिंग लर्निंग है उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने लग जाता है। तो मेन कॉम्पोनेंट है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो यूनेस्को ने दिए हैं वो हम देखते हैं। पहला क्या है? गोल्स और द बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है एनालिसिस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ मीडिया, इवेल्यूएशन एंड फीडबैक। फ्रेंड्स, के बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू एलिंगटन 2005 में ये कहा है कि ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी में जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इन वेरियस सिचुएशन, तो उसे हम अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ, देखिए, हम क्वालिटी ऑफ लर्निंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिग्री ऑफ मास्टरी अमंग द लर्नर्स भी बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं जो एक लर्नर का टाइम टेकन है, ताकि हम जो डिज़ायर्ड गोल है उसको कम टाइम में अचीव कर पाएँ, अटेन कर पाएँ। इंक्रीज़ कर सकते हैं एफिशिएंसी टीचर्स की, क्योंकि जो भी हम लर्नर्स को पढ़ा रहे हैं वो क्वालिटी वाला कंटेंट दे रहे हैं, तो टीचर्स उसको पढ़ा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही है, कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है और क्वालिटी में कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इंक्रीज़ कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ लर्नर्स और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन और उसका जो ट्रेनिंग प्रोविज़न है। तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में फ्रेंड्स दो अप्रोचेज हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है हार्डवेयर अप्रोच, ऑफ एजुकेशन है सॉफ्टवेयर अप्रोच। पहले हम हार्डवेयर अप्रोच की बात करते हैं। ये फोकस करता है कि एक टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, फोकस ऑन लर्निंग हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स, बेस्ड करता है सम प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग साइंस। ये इसका ओरिजिन भी आप कह सकते हो। पहला मैंने मीनिंग बताया कि फोकस करता है हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स, और उसके बाद ओरिजिन क्या है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग साइंस। जबकि बात करें सॉफ्टवेयर अप्रोच की, तो वो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, वो एनहेंस करता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ द करेंट स्कूल करिकुलम, और उसके बाद बेस्ड करता है, इसका ओरिजिन क्या है, लाइज इन द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू द प्रॉब्लम, और बेस करता है चाइल्ड साइकोलॉजी, फिलोसफी और सोशोलॉजी पर। फ्रेंड्स, इसके अलावा काफ़ी डिफरेंस और भी हैं। देखिए, जो हार्डवेयर अप्रोच है वो टेंजिबल आस्पेक्ट होता है टेक्नोलॉजी का, विच यू कैन टच। हार्डवेयर, देखिए, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो, जैसे कि आप कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं, लेकिन जो उसके अंदर के ऐप्स या सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर अप्रोच में आते हैं। जैसे MS Word हो गया, MS Office के अंदर जो आता है, या कोई भी पावर पॉइंट हो गया, या लिब्रे हो गया, या ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो सॉफ्टवेयर अप्रोच में आते हैं, जिसे आप टच नहीं कर सकते, तो टेंजिबल नहीं होते, नॉन टेंजिबल हैं वो सॉफ्टवेयर है, और जो टेंजिबल है वो हार्डवेयर है। उसके बाद देखिए, हार्डवेयर अप्रोच को टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कहते हैं बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज TV, रेडियो, लैंग्वेज लैब एंड वेरियस अदर मीडिया, एंड द वन टेंजिबल एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी का। जबकि जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है वो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, इन्वॉल्व करता है सिस्टमैटिक साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट साइंटिफिक रिसर्च बोथ फ्रॉम द फिजिकल साइंस एंड फ्रॉम द सोशल साइंस सच एज साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। और प्रिंसिपल आइडियाज़ और प्रैक्टिस हैं जो मतलब एम्फसाइज करते हैं ऑन द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और ये इंटेंजिबल आस्पेक्ट्स हैं। फ्रेंड्स, आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का,
जिसमें देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को चार इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स में क्लासिफाई किया हुआ है. फर्स्ट जो है वो है स्टिमुलेशंस प्रोवाइडेड टू द सेंस ऑर्गन्स. सेकंड, लर्नर्स कंट्रोल ओवर मीडिया. थर्ड, टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस दे प्रोवाइड. एंड फोर्थ, उनका एक्सेस यानी देयर रीच. अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सेंस देखें तो यहाँ पे विजुअल है और जो जिसमें प्रिंट और डुप्लीकेटेड मटेरियल आता है. और एक ये देखिए नॉन प्रोजेक्टेड 2D है, एक ऑडियो है, विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड 3D है, विजुअल प्रोजेक्टेड है, ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड है, मल्टीमीडिया पैकेजेस है और न्यू इमर्जिंग वीडियो है. तो फर्स्टली हम देखते हैं विजुअल वाले. विजुअल में देखिए टेक्स्ट बुक है, बुक है, रेफरेंसेस बुक है, एनसाइक्लोपीडिया है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल, केस स्टडीज़, केस रिपोर्ट, ये सारे आ जाते हैं. विजुअल में नॉन प्रोजेक्टेड 2D क्या है? नॉन प्रोजेक्टेड यहाँ पे जहाँ पे प्रोजेक्शन का यूज़ नहीं होता, मतलब विदाउट टेक्नोलॉजी आप थोड़ा सा कम उसमें है, जैसे ब्लैक बोर्ड जो पुराने टाइम में यूज़ होता है, चार्ट, पोस्टर, मैप, डायग्राम्स, ग्राफ, फोटोग्राफ्स, कार्टून, कॉमिक स्ट्रिप्स. ऑडियो में कोई भी वॉइस से रिलेटेड आप ले सकते हैं, जैसे ह्यूमन वॉइस हो गया, ग्रामोफोन, ऑडियो टेप, स्टीरियो रिकॉर्ड्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. जबकि नॉन प्रोजेक्टेड 3D में देखें तो मॉडल है, डायरमा है जो 3D से रिलेटेड होता है, ग्लोब, रिलीफ मैप, पपेट, होलोग्राम्स, ये सब आ जाते हैं. विजुअल में अगर हम प्रोजेक्टेड देखते हैं तो स्लाइड्स हैं, फिल्म स्ट्रिप्स हैं, ट्रांसपेरेंसी है, माइक्रोफिल्म है, कंप्यूटर है. जबकि ऑडियो विजुअल में प्रोजेक्टेड में देखें जो मोशंस में होता है तो मोशन पिक्चर फिल्म, टेलीविज़न, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, वीडियो कैसेट और डिस्क. मल्टीमीडिया पैकेजेस में क्या आता है? स्लाइड टेप और वर्कबुक, और फिर रेडियो स्लाइड और पोस्टर, फिल्म पोस्टर, वर्कबुक, टेलीविज़न और वर्कबुक. जो न्यू इमर्जिंग मीडिया है उसमें टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, केबल टेलीविज़न, सेटेलाइट TV, कंप्यूटर नेटवर्किंग, वीडियो डिस्क, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसर, ये सब आता है. आफ्टर दैट क्या है फ्रेंड्स? मीनिंग एंड नेचर ऑफ ICT. देखिए ICT की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो इंक्लूड करता है रेडियो, TV, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल. ये पावर्ड होते हैं बाय मेनली 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. पहला सैटेलाइट बेस्ड, दूसरा टेरेस्ट्रियल बेस्ड. जो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है वो एक इस तरह का कम्युनिकेशन है जो टेक प्लेस करता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट. और जबकि टेरेस्ट्रियल बेस्ड कम्युनिकेशन है वो टेक प्लेस करता है थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ट्रांसमीटर स्प्रेड अक्रॉस अ जियोग्राफिकल एरिया, अ कंट्री और स्टेट. तो ये जो कम्युनिकेशन है वो यूज होता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न हमारे इंडिया में. तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो हैं यहाँ पे, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. उसमें कम्युनिकेशन में दो हैं, सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल. सैटेलाइट सेंडर रिसीवर के बीच में टेक प्लेस करता है, जबकि टेरेस्ट्रियल है जो थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ट्रांसमीटर होता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी रेडियो, TV, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल, ये सब आ रहा है. तो एक तरह से कंपोनेंट है ICT के जो रेडियो, TV वगैरह में यूज़ किए जाते हैं. ICT की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं एंड रिसोर्सेज जो यूज़ किए जाते हैं टू कम्युनिकेट एंड टू क्रिएट, डिसमिनेट, स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन. जबकि अकॉर्डिंग टू UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ICT जो बेसिकली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल्स होते हैं, एक वेरिड सेट ऑफ गुड्स, एप्लीकेशन एंड सर्विस जो यूज़ किए जाते हैं टू प्रोड्यूस, स्टोर, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूट एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. ये इंक्लूड करते हैं ओल्ड ICT लाइक रेडियो, टेलीविज़न एंड टेलीफोन, एंड द न्यू ICTs ऑफ कंप्यूटर, सैटेलाइट एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट. तो ये जो डिफरेंट टूल्स हैं आर नाउ एबल टू वर्क टुगेदर एंड कम्बाइन टू फॉर्म आवर नेटवर्क वर्ल्ड. मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरकनेक्टेड टेलीफोन सर्विस, स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर हार्डवेयर, इंटरनेट, रेडियो एंड टेलीविज़न, जो हमारे ग्लोब की किसी भी कॉर्नर पर उनकी रीच है. तो एक तरह से देखिए रेडियो, TV, वीडियो, DVD, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब ICT इंक्लूड करता है और बहुत सारी सर्विस भी देता है. फॉर एन एग्जाम्पल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और ब्लॉग्स. फ्रेंड्स, आफ्टर दैट देखिए कुछ ऑडियो मीडियम्स हैं, हम उनको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहे. रेडियो जो मास ब्रॉडकास्ट होता है, ऑडियो CD है, DVD है, पॉडकास्ट है, ग्रामोफोन है, लिंगुआ फोन है, ऑडियो कैसेट्स हैं. जबकि ऑडियो विजुअल मीडियम में क्या आता है? TV है, वीडियो CD, DVD है, फिल्म स्ट्रिप है, प्रोजेक्टर है, स्लाइड शोज है, मल्टीमीडिया है, प्रेजेंटेशन है.
तो ये दो थे ऑडियो मीडियम एंड ऑडियो विजुअल मीडियम. आफ्टर दैट कंप्यूटर. देखिए कंप्यूटर जो है उसकी फुल फॉर्म देखिए पहले तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एजुकेशनल एंड रिसर्च. तो फ्रेंड्स बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके कंट्रोल यूनिट CU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU एंड थर्ड MU मेमोरी यूनिट और इसमें एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी दिया हुआ. फ्रेंड्स कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है हमारे जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करता है. आफ्टर दैट ALU अर्थमेटिकल और जो लॉजिकल रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं वो ALU करता है. मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है जो स्टोर करता है हमारा डेटा जो भी हम इसमें काम कर रहे हैं कंप्यूटर में सारा मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है. यहाँ पे उसके टाइप्स दिए हुए हैं रैम और रोम. रैम क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम क्या है रीड ओनली मेमोरी. एज द नेम सजेस्ट रीड ओनली मेमोरी जो है वो परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है जो लाइट जाने के बाद भी हमारा डेटा जो है उसमें रिमेन रहता है. जबकि जो रैम है वो इरेजेबल होती है. लाइट चली गई तो उसका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा. तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परेरी है और रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है. आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए हुए फ्रेंड्स कंप्यूटर के मॉनिटर प्रिंटर कीबोर्ड CPU माउस मॉडेम जो भी हैं ये सारे उसके टाइप उसके कंपोनेंट्स में आते हैं जो उसके पार्ट्स हैं मेनली. IO क्या है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. कुछ डेटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड माउस ट्रैक बोल स्कैनर टच पैड लाइट पेन जॉयस्टिक. आउटपुट डिवाइस जो हमें डेटा खुद दिखाते हैं मतलब आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द प्रोसेस डेटा लाइक मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर स्पीकर एंड स्पीच सिंथेसाइजर. स्कैनर भी फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस में आता है एटलीस्ट गिवन एक्चुअली गिवन है वहाँ पे. देखिए नेक्स्ट क्या है स्टोरेज डिवाइस. देखिए स्टोरेज डिवाइस क्या होती है जो डेटा को स्टोर करती हैं इन्फॉर्मेशन स्टोर करती हैं जैसे हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क CD रोम DVD ड्राइव ये सब. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 5 टाइप के दिए हुए हैं मिनी माइक्रो मेन फ्रेम सुपर एंड वर्क स्टेशन. देखिए जो हमारे होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो पहले घर पे होते थे डेस्कटॉप जिन्हें हम PC पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते थे और बाकी ये सारे यहाँ देखें फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्या है e-लर्निंग. देखिए e-लर्निंग होता क्या है ये कंप्राइज करता है ओल्ड फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली सपोर्टेड टीचिंग एंड लर्निंग. हेल्प करता है लर्नर्स को कि वो लर्न करें अपने ओन पेस पर एनी टाइम एंड एनी वेयर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. LCD प्रोजेक्टर्स TV, CD, ROM, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, वेब बेस्ड टूल्स वर्चुअल क्लासरूम ये सब एक जो टीचर यूज़ करती है डिवाइसेस अपनी टीचिंग लर्निंग में वो एक ई लर्निंग के नाम से जान जाता है. जैसे आपने गूगल क्लासरूम अपने आप में देखा होगा. गोल्स क्या है इसके. इंक्रीज करता है लर्नर का एक्सेस टू लर्निंग और फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग. एनहेंस करता है क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. स्किल्स और कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड करता है और ये जो है मीट आउट करता है लर्निंग स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट. जो बर्डन है ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इसमें मिनिमाइज किया जा सकता है क्योंकि देखिए पेपर नहीं यूज़ हो रहे उसमें ज़्यादा खर्चा होता है तो यहाँ पे विदाउट एनी पेपर मतलब बर्डन ऑफ कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है और इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है. एफिशिएंसी होती है काफ़ी इसमें. नेक्स्ट 21st सेंचुरी स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज ई लर्निंग के बारे में. देखिए हेल्प करती है ई लर्निंग जो स्ट्रैटेजी है ताकि बिल्डअप हो पाए लर्नर की जो नेसेसरी स्किल्स हैं वो गुड कम्युनिकेशन स्किल कैरी करे उसको एबिलिटी हो टू लर्न इंडिपेंडेंट सोशल स्किल्स जनरेट हो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो रिस्पॉन्सिबिलिटी आए एथिक्स जनरेट हो टीम वर्क स्किल करे कोलेबरेटिव लर्निंग करे नेटवर्किंग को फॉलो करे एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं उसमें आप खुद मतलब खुद को एबल बना पाए थिंकिंग स्किल्स जनरेट हो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग न्यूमेरिकल स्किल्स उसमें होने चाहिए नॉलेज नेविगेशन हो एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट होनी चाहिए डिजिटल लिटरेसी आए. तो अब देखते हैं कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती हैं ई लर्निंग में. देखिए इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस. तो असिंक्रोनस क्या होते हैं जो सिंक्रोनाइज यानी सेम टाइम में नहीं अचीव हो पाते मतलब नहीं हो पाते. तो जो पार्टिसिपेंट मेंशन होते हैं आर मेनली द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. स्टूडेंट और टीचर जो है अलग अलग अपने पेस पर ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन को. तो जो इंफॉर्मेशन होती है टू बी पास्ड ऑन टू द स्टूडेंट्स मे बी पोस्टेड ऑन एनी वेबसाइट मीडियम सच एज विकिपीडिया ब्लॉगिंग एक्सेट्रा जो बाद में रिट्रीव कर सकता है एक स्टूडेंट एट अ लेटर टाइम. तो हैंस जो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है उसमें इंट्रैक्शन होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स जो अकर करता है डिफरेंट टाइम्स
फॉर एन एग्जाम्पल ब्लॉग्स, विकी, वीडियो ब्लॉग्स, ब्लॉग, फॉरम, डिस्कशन बोर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर ईमेल। देखिए एसिंक्रोनस का जो है वो स्लोवर ट्रांसमिशन होता है, चीप होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट होता है देन सिंक्रोनस, लेस एफिशिएंट होता है, डजंट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता फ्रेंड्स वो ये है कि टाइम जो आई थिंक इंटरवल है उसमें इंक्लूड नहीं होता है, या एरर जो चेकिंग फीचर है वो इसमें नहीं होता है, टाइम इंटरवल इसका कांस्टेंट होता है। जबकि सिंक्रोनस देखिए इसके अपोजिट है, एसिंक्रोनस स्लोवर है, सिंक्रोनस फास्ट है, एसिंक्रोनस चीप है तो सिंक्रोनस कॉस्टली है, एसिंक्रोनस लेस एफिशिएंट है, सिंक्रोनस मोर एफिशिएंट है। ये डजंट इंक्लूड एरर चेकिंग फीचर वो करता है, टाइम इंटरवल्स एसिंक्रोनस में कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, जबकि जो सिंक्रोनस है उसमें रैंडमली चेंज होता रहता है। देखिए यहाँ पे वेरियस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यही वाली चीज़ जो हमने ऊपर देखी थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, विकिपीडिया, ब्लॉग, ब्लॉग, पॉडकास्ट, डिस्कशन बोर्ड, फोरम, ये सारी सीटी हैं जो हमारी ई लर्निंग में यूज़ होती हैं। सिंक्रोनस फ्रेंड जिसमें इंटरेक्शन सेम पीरियड ऑफ टाइम में हो, हेल्प करता है स्टूडेंट्स को एक्वायर करने में इंफॉर्मेशन विद इन नो टाइम, जिसमें दोनों ही एंगेज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ जो कन्वर्सेशन एट द सेम टाइम। ये बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू एसिंक्रोनस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। एग्जाम्पल क्या है सिंक्रोनस के? फेस टू फेस टॉक थ्रू ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन चैट, फोन कॉल्स, वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पे दिए हुए। यहाँ पे देखिए ई लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये अलग अलग ई लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, ऑनलाइन लर्निंग हो गई, वर्चुअल क्लासरूम हो गया, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑनलाइन चैट है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, शेयर करता है व्हाइट बोर्ड, एप्लीकेशन शेयरिंग, सेल्फ पेस्ड कोर्स, डिस्कशन ग्रुप्स, ईमेल, पॉडकास्टिंग, ऑनलाइन वीडियो, ब्लॉग्स, कोलैबोरेटिव वीडियो, वेबकास्टिंग, विकिपीडिया या इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, ये सारी क्या हैं हमारी ई लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं ई लर्निंग और जो ट्रेडिशनल लर्निंग है वो क्या होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए ट्रेडिशनल लर्निंग क्या थी, टीचर फोकस थी, जबकि आज की लर्निंग ऑनलाइन क्लासरूम में लर्नर फोकस्ड है। ट्रेडिशनल में मोर पैसिव बिहेव करता था एक लर्नर, जबकि आज वो मोर एक्टिव बिहेव कर रहा है। टीचर का कंसंट्रेशन ट्रेडिशनल में सिर्फ नॉलेज और सब्जेक्ट कंटेंट को डिलीवर करने में होता था, जबकि ऑनलाइन में उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पर ज़्यादा फोकस रहता है। ट्रेडिशनल में देखिए वर्बल ओरिएंटेड होता था, सिर्फ मतलब बोला जाता था, लेक्चर के थ्रू दिया जाता था, लेकिन आज वर्बल इंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं, डिफरेंट स्टाइल्स मेथड्स ऑफ टीचिंग को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट मल्टीमीडिया को पहले बहुत कम यूज़ किया जाता था, आजकल मल्टीमीडिया वैरायटी ऑफ वेज के साथ यूज़ किया जा रहा है। पहले स्टूडेंट्स इंट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के साथ लेस था, आज मोर है। पहले फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता था, आज अपॉर्चुनिटी ऑफ फेस टू फेस इंट्रैक्शन काफ़ी कम हो गई है। लेस चांस था पहले मोटिवेशन का या सेल्फ लर्निंग का, आज उसी को मतलब एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है ऑनलाइन लर्निंग में। पहले ट्रेडिशनल साइड ऑफ टीचिंग होते थे, लेक्चर मेथड होता था, डेमोंस्ट्रेशन बहुत ही कम होते थे, आज क्या इनोवेटिव टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। पहले टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना लेस था, आज मोर है। अपॉर्चुनिटी ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा थी, ज़्यादा आजकल इसलिए है क्योंकि देखिए टीचर स्टूडेंट्स कहीं भी आप ऑनलाइन उनसे मिल सकते हो, आपस में चैट कर सकते हो, पहले ये चीज़ नहीं थी, सिर्फ उसी एक टीचर से आप गो थ्रू हो पाएंगे जो आपको फेस टू फेस पढ़ा रहा है। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टडी जो थी पहले फिक्स थी, आजकल आप ऑनलाइन किसी भी टाइम अपना फ़ोन खोल के पढ़ सकते हो, तो नॉट फिक्स्ड। आज फ्लेक्सिबिलिटी है नेचर में, पहले रिजिड थे, ट्रेडिशनल क्लासरूम में होते थे, जबकि जो ऑनलाइन है वो कहीं भी आप ले सकते हो, पार्क में, क्लासरूम में, कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड है। देखिए आप ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे दिया हुआ है, अटेंड कर सकते हो एनी टाइम एनी वेयर, अफोर्डेबल है, 360 डिग्री लर्निंग है और उसके ड्यूलिंग ऑप्शन है आपके पास। बेनिफिट क्या है इसके? स्टूडेंट सेंटर, एक्सेसिबिलिटी और बेटर अपॉर्चुनिटी, फ्लेक्सिबल, चांस फॉर इंट्रैक्शन ज़्यादा है, ग्लोबल नॉलेज हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कंट्रोल है ओवर स्टडी टाइम, सेव करता हमारे टाइम को और हमारे ट्रांसपोर्ट को और एकोमोडेशन को। फ्रेंड्स ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का जो इंटरनेट के बारे में है। इंटरनेट मींस इंटरनेशनल नेटवर्क, एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क का, एक ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसमें यूज़ किया जाता है TCP/IP प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मींस फ्रेंड्स रूल्स रेगुलेशन
जो हम एक नेटवर्किंग में फॉलो अप करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं इंटरनेट को यूज़ करने की, वो ये हैं कि हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं और इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर पाते हैं। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्लेटफॉर्म है जहाँ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, हेल्प करता है टू गेट लेटेस्ट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन। मीडियम है फॉर ऑनलाइन लर्निंग, मल्टीमीडिया फॉर लर्निंग, एक्ट करता है एज पास मीडियम है कम्युनिकेशन का, प्रोवाइड करता है लर्नर को काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी कि वो घर बैठे बैठे या फिर किसी भी स्पेस में अपना बेस्ट गेन कर पाए। उसके अलावा काफ़ी इजी है ये एप्लीकेशन है, शायद इसकी एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। देखिए, स्टूडेंट के एडमिशन से लेकर उसके फीस मैनेजमेंट, क्लासरूम टीचिंग, लर्निंग एक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेशन सब जगह यूज़ हो रहा है। तो एक तरह से एज अ टीचिंग मशीन की तरह यूज़ हो रहा है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन टूल है, सपोर्ट है टीचर स्टूडेंट का और एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल काम कर रहा है। तो डिसेमिनेट करता है हमारी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को शेयर करना काफ़ी इजी हो चुका है, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए बेटर है, बेस्ट है। वर्चुअल क्लासरूम सेटअप करवाते हैं, यूज फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, कॉस्ट इफेक्टिव है और एजुकेशन काफ़ी अफोर्डेबल है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।